नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज़। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं आज दिन की बड़ी खबर से, जहां देखा गया लोगों के द्वारा थाना प्रभारी आशीष सप्रे के खिलाफ आक्रोश। पुलिस की पिटाई में घायल हुए युवक को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने के बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने अपनी टीम के साथ इस युवक के साथ में 3 अन्य लोगों को भी उठाया था, जिसके बाद तीनों की बुरी तरह से पिटाई की गई। इस पिटाई में उमेश रघुवंशी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके घाव के निशान उसके शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं। मुखबिर के द्वारा सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया। जब वहां पड़ताल करने हम लोग पहुंचे तब वहां पर युवक नहीं मिला, जिसके बाद उस युवक को ढूंढने कुछ और लोग भी आ गए। जब उन लोगों से हमने जानकारी लेना चाही तब मामले का खुलासा हुआ। उमेश रघुवंशी जो कि पिछले 2 माह से गुजरात में अपने काम कर रहा था, 2-3 दिन पहले गुना आया था। उसके बाद कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने युवक एवं उसके साथ में 3 अन्य साथियों को उठवा लिया। साथ ही उनकी लगातार 3 दिन से पिटाई की जा रही है। कल जब उसके परिजन मिलने के लिए थाना पहुंचे तब भी उसे मिलने नहीं दिया गया। आज सुबह परिजनों को सूचना मिली कि उसकी गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पूरा दिन जब हम छानते रहे कि कहां है वो युवक, तो वो मिला हमें एक निजी नर्सिंग होम में, जहां पर हमें बताई गई एक नई कहानी। कहानी के अनुसार वहां पर कर्मचारी ने हमें बताया कि एक एम्बुलेंस जो कि म्याना से आ रही थी, उस एम्बुलेंस में बैठा के उस युवक को लाया गया। समझ से परे है कि अभी तक जितने भी केस देखे गए उसमें कोई अगर युवक गंभीर अवस्था में कहीं पड़ा मिलता भी है तो उसे शासकीय चिकित्सालय ले जाया जाता है, लेकिन यह मामला उलट ही देखने को मिला। इस युवक को एक निजी नर्सिंग होम में लाया गया, जहां डॉक्टरों का पैनल उसका इलाज करने में शुरू हो गया। हमने जब वहां कार्यरत अधिकारी कर्मचारी और डॉक्टरों से इस विषय में कैमरे के सामने बात करना चाही तो किसी ने भी कैमरे के आगे कुछ नहीं बोला। अभी हॉस्पिटल आ गए थे, किसे एम्बुलेंस से लाए थे? अभी बता दो ना क्या हुआ, अभी तो बोल रहे थे ना। बमुश्किल हम उस युवक तक पहुंचे जो कमरा नंबर 3 में एडमिट किया गया था। युवक की हालत देखने से दयनीय लग रही थी। कमरे में खून की बदबू फैली हुई थी। कमरे में जाने के बाद हम वहां 2 मिनट भी खड़े नहीं रह पाए, लेकिन जब युवक के हालत देखी तब हमें भी उस पर दया आ गई। युवक के हाथ, पैर, पीठ और सर में गंभीर निशान थे, जो कि गहरी चोटों के न होते हुए सिर्फ मारने पे बनते हैं इस तरह के थे। जगह जगह नील पड़े हुए थे, वहीं उसके गुप्तांग में भी शायद कोई चोट लगी हुई थी, लेकिन इस बारे में कोई भी डॉक्टर हमें कुछ बताने को तैयार नहीं था। चूंकि मामला थाना प्रभारी आशीष सप्रे से जुड़ा हुआ था, पहले भी कई शिकायतें थाना प्रभारी आशीष सप्रे के बारे में लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं आला अधिकारियों को की गई, लेकिन कभी भी उनको कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। समझ से परे है कि क्यों सिर्फ आशीष सप्रे ऐसे थानेदार हैं जिनके खिलाफ कोई मामला गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि देखा गया है कि जैसे ही नए पुलिस अधीक्षक आए तो उन्होंने जरा जरा सी बात पे भी लोगों के थाने बदल दिए। लेकिन आशीष सप्रे एकमात्र ऐसे थाना प्रभारी हैं जिनके बारे में आज तक किसी भी मामले में कार्रवाई तो दूर जांच भी नहीं की गई।
बात की जाए उमेश रघुवंशी की, जैसे ही उसके बारे में खबर लोगों को लगी, पूरा हुजूम इकट्ठा होना चालू हो गया। देखो आपके पास वर्दी नहीं है, नहीं है आज, नहीं है भैया, इससे बड़ी वर्दी नहीं है भैया, आप नहीं है वो सारा चक्का जाम वर्दी नहीं है वकील साहब, उससे बड़ी वर्दी नहीं है इनकी, उससे बड़ी वर्दी नहीं है इनके, कोई झूठी वर्दी है नहीं इनकी। वकील साहब बता रहे हैं, एसडीएम तहसीलदार से बयान करवाओ आगे, बताओ आपने गर्दी कर ली, उससे बड़ी बात नहीं है का, मेरे भाई को बेकसूर मारा, देखो बेकसूर मारा। वही लोगों ने ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया, जो कि पिछले 3 घंटों से लगने के बाद भी कोई समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे थे। यह जाम 5 बजे से लग रहा है और इसको अभी शाम 7 बजे तक कोई गंभीर नतीजे नहीं देखने को मिले। हालांकि सूत्रों की माने तो थाना प्रभारी आशीष सप्रे को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि उन पर FIR दर्ज की जाए, चूंकि युवक को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही लोगों की मांग यह भी है कि उन पर 307 की कार्यवाही भी की जाए। अब देखने लायक होगा कि क्या जिला प्रशासन या पुलिस के आला अधिकारी थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई। हमेशा थाना प्रभारी को छूट ही दी गई है, भले ही मामला किसी भी तरह का क्यों ना हो। चोरी में बंद करना था तो बंद कर देते, कायम कर देते, अभी आप थाने में रिकॉर्ड नहीं है, थाने में हालात की जो बंदी का वो रहता है, नहीं थाने में नीचे नीचे दिन में मारा कुछ समय पूर्व भी देखा गया कि थाना प्रभारी आशीष सप्रे को कैंट थाने के अलावा गुना थाने की भी जिम्मेदारी सौंपी जानी शुरू कर दी गई थी, जिनके नतीजे
सबके सामने है। अब इस मामले में देखने लायक होगा कि क्या लोगों को इस बार हताशा ही हाथ लगेगी या कोई गंभीर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो थाना प्रभारी आशीष सप्रे अपने परिवार के साथ कहीं चले गए हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो आशीष सप्रे ऐसे थानेदार हैं जिन्हें पहली बार शायद ऐसा थाना मिला जहां पर उन्हीं के खिलाफ पहले ही काफी सारे मामले लंबित थे। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी प्रकरणों में समझौते हो चुके हैं। ये जो बंदा भर्ती है अंदर 3 नंबर वार्ड में, कौन है ये और क्या हुआ था इन्हें? ये उमेश था, तो जिलाना गली चौकी पे पीट रहे थे, फिर ये थाने ले आए। कौन पीट रहा था? 2-3 गाड़ी है थी, सेक्रेटरी आई साहब और जी रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में फिर थाने ले आए जी, 2-1 मनोज और भी और हैंगे, संग भी अभी बंद कर रहा था। किस संबंध में उठ रहे थे ये? तो क्या कह रहे थे, इसने चोरी की है कहीं कजू, अब तो संबंध में कुछ। तो ये जो बुरी हालत हुई, पुलिस वालों ने मार के करी? हाँ। क्या किया उन्होंने वहाँ पे? एक गाड़ी है वो थाने में रखी है, मोटरसाइकिल पर छोटे भैया थी जी आए थे, दोनों आ रहे थे, ये पकड़ पिलाए थे, अभी भी वो थाने में और इन्हें बंद कर रहे थे। कितने लोग और बंदे अभी अंदर? वो मनोज ले गए थे और भाई एक दो है जी संगे, एक टी आई साहब ही ले गए थे और मनोज, वो फोन लगा था तो उन्हें कहाँ है ये वहाँ से लाए थे। कौन सा TI? सपरे। उसके यहाँ वो था तो कुछ किसी पुलिस वाले ने उसको फ़ोन करके पिपरिया की टगर में उसको बुलाया। ये पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ ले जाके उस लड़के को कल दोपहर में वहाँ से लेके आए। कैंट पुलिस थी, TI सपरे थे, और उसको लाके कल, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि नानागढ़ी पुलिस चौकी में उसको कल 2-3 घंटे मारपीट की, फिर रात को भी, रात भर पुलिस ने मारपीट की। मेरे पास परिजन आज सुबह आए तो सुबह मैंने TI कैंट को फ़ोन भी लगाया, TI कैंट उस समय सो रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई जब मैं अभी थाने पे जाके आपको बताता हूँ क्या है मामला। मगर किसी मामले में आपने गिरफ्तारी की हो तो उसको सो करो, अगर लूट में भी है साला कुछ में भी है, पर जो मैंने अपनी जानकारी लगाई, ये कोई भटनागर है, जेब कट है, वो शायद कैंट का थाना चलाता, उस भटनागर के कहने से उमेश के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, और वो आप लोगों ने भी देख लिया तो उसकी हालत क्या है, मरणासन्न हालत में है वो, उसके नाखून लौच दिए, पेशाब की नली में से, पेशाब में से खून आ रहा है, मुंह में से खून आ रहा है। ऐसी स्थिति में कैंट पुलिस ने चुपचाप लाके ना तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए और ना कहीं ले गए, ना किसी परिजनों को बताया, और सीधा लाके यहाँ भर्ती कर दिया। वो तो हम लोगों ने ढूंढ के पता करके कि भाई उमेश का कहाँ है क्या है, मैं खुद अभी थाने गया, थाने में ना तो उसका जो हवालात के बंदी रहते हैं जो उसमें दर्ज रहती है जो सूची, उसमें भी उसका नाम नहीं है। इस प्रकार से बाला बाला उसके साथ पुलिस ने मारपीट करके और यहाँ ला के पटक दिया है। अभी हम लोग आए हुए हैं, और ये कार्रवाई चाहेंगे किसके खिलाफ? यही के खिलाफ चाहेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? समाज का मामला है रघुवंशी समाज का, क्योंकि बच्चा था वो, जो भी था उसका अतीत जो भी हो, पर उसमें अगर उसने कोई क्राइम किया था तो उस पर क्राइम ही करना चाहिए। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? जिसने भी उसके साथ जो घटनाक्रम किया वो तो कैंट पुलिस बताएगी। समर्थन मूल्य की खरीदी के भवन में फंसा भूमि पुत्र, वहीं कृषि उपज मंडी में ना ही खाने की व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी। प्रदेश के मुखिया किसानों की फसल के लिए समर्थन मूल्य योजना लागू की, वहीं योजना के तहत किसान अपनी फसल की गुणवत्ता को लेकर भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों को मंडी में दिन भर रहना पड़ता है, वहीं फसल को छानने के बाद ही मंडी में लिया जाता है। अगर फसल में थोड़ा बहुत भी कचरा रह जाए तो उसे दोबारा छानने के लिए दिया जाता है, जिसके बदले में किसानों को जांचकर्ताओं को देना पड़ता है एक मूल्य। साथ ही देखा गया कि जरा सा भी कचरा अगर किसी के फसल में मिल जाए तो उसकी फसल भी नहीं खरीदी जाती। किसानों ने लगाया जांचकर्ताओं पर आरोप, कहा कि बड़े छेद वाले छलने से उनको छान लिया जाता है। उक्त चने की कीमत समर्थन मूल्य से कई ज्यादा होती है, आखिर इसमें किसानों की क्या गलती? फसल की उपज पर ही आश्रित होना पड़ता है भूमि पुत्र को। नाम क्या हुआ बब्बा? नन्नू। कहाँ रहते हो? ममूरिया। आज क्या हुआ आपके साथ, चना क्यों नहीं लिया गया? नहीं लाए, फिर लगा रहा था। क्या कह रहा भाई? वो छनवाला है भाई ने, और फिर भी कैंसिल कर देगा। कितने में छनवाला है?
सबरी थनवाल है। कितनी बेर? दो बेर, तीन बेर? दो बेर। और फिर क्या करो? बाने भग्गा भग्गा। और क्या कहो? वो कचू नहीं का ही बाने भग्गा। अच्छा, और आपके पास क्या पद है जो आप यहाँ कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? सर्वेयर के रूप में आया हूँ और मेरे यहाँ क्वालिटी का चेकअप करता हूँ। अच्छा, अभी आपने मैडम से फोन किया था, फोन पर क्या बोला मैडम ने? मैडम से मैंने ये बोला कि मैडम माल की वो पैरामीटर से ऊपर आ रहा है, तो मैंने माल कैंसिल किया, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैम ने बोला साफ करा के ले। बोलने यहाँ आने का बोला था आपने? मैंने यहाँ आने का बोला था, तो मैम बोल रही थी मैं अभी आ नहीं पा रही हूँ, या मैं मुझे टाइम मिलता है तो मैं आती हूँ। डेंटल और घेंटी फूटा हुआ दाना नहीं चलेगा। डेंटल और घेंटी की बताई थी कल, कटा हुआ दाना साफ थ्रेसर से हेरेंगे, छेद वाला दाना उनके सुन दो नहीं आ रहे। डंक वाला डंकी वाला डंकी वाला। वही कृषि उपज मंडी समिति द्वारा 5 रुपए में किसानों को खाने के लिए शासकीय कैंटीन की व्यवस्था भी की गई, लेकिन खाने के नाम पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब हमारी टीम ने इस हेतु पुष्टि करना चाहिए और मंडी सेक्रेटरी से बात करना चाहिए, तो मंडी सेक्रेटरी अपने ऑफिस में नहीं मिले और हमारा फोन भी नहीं उठाया। शासकीय योजनाओं को क्यों लगाया जा रहा है पलीता, वहीं किसानों को ही सारी मार क्यों झेलनी पड़ती है? कब सुधरेगा हमारा ये सिस्टम जिसके तहत किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो किसानों को ही मिले, ना कि आला अधिकारियों को? आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? अर्जुन रघुवंशी। कहाँ रहते हैं? खजूरी। क्या विवाद रहा जो आपको इस दिन बनने? सब चना छान के लाए थे जी, मना कर रहे हैं लेने की। अच्छा जी, और जैसे ये चल्ला लेके आए थे दूसरा, इसमें क्या परेशानी है? पूरे निकल जाएंगे साहब गांव में से, तुम्हारे बड्डे छेद को है, बड्डे छेद का है, बेबी निकल जाएंगे गांव में से, डॉलर और टाइवन बचे हो गांव में तो। और जैसे इसकी जगह दूसरा चल्ला लग नहीं दिया इन लोगों ने? नहीं दिया सर। जो कल एक किसान लौट के गया था मंडी से, जिसका सैंपल फेल कर दिया चना का, उसके फोन मेरे पास भी आया था, तहसीलदार ने भेजा था, तो माल छान के लेंगे, छान लेने अगर उसके नॉन्स में आएगा, नॉन की टीम आई हुई है ना, उनके वो आदिल जैन वगैरह बैठे हुए हैं, उसके क्वालिटी चेक करते हैं, अब क्वालिटी के नॉन्स में आएगा तो ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और कई बार उसका छान भी लिया था, चलने लगा दिए थे 2-3 बार उसके, नहीं तो नॉन्स में नहीं आ रहा था, नहीं दिया। जैसे कि मंडी में कैंटीन बंद, खाने के लिए किसान की व्यवस्था नहीं है, उसके हम चर्चा करेंगे, मंडी इंस्पेक्टरी डर हो गया है, नया रिश्ते डर है, उससे हम चर्चा करके व्यवस्था करेंगे। और ये कैंटीन तो लगभग बंद ही है शुरू से, तो इसके जो पूरा उसके हम मंडी का बड़े गरीब बताएंगे, चर्चा करेंगे और चालू करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में कलेक्टर राजेश जैन को दी गई विदाई। इस विदाई समारोह का आयोजन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। बड़ी संख्या में महाविद्यालय के प्रोफेसर्स ने भाग लिया। वहीं सभी ने कलेक्टर राजेश जैन के खूबियों का बखान भी किया जो उनके कार्यकाल में उन्होंने की। आज तक के इतिहास में किसी कलेक्टर ने ऐसा काम नहीं किया है जो कि जब जब हम आपके पास कोई कार्य लेकर आए तो ये विशाल के ही इच्छा है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब हमारे लिए कभी भी केवल कलेक्टर नहीं रहे, बल्कि वे सदैव एक आत्मीय आदरणीय बड़े भाई साहब की तरह रहे। इसी रूप में इतिहास विजेता जिसने जीते हृदय वही होता है इस विजेता। मानव जीवन किसी को धन होता है जो बहुत मारा सर, अंत में जब जाने लगे तो उससे कहने लगे कि भाई तुम्हारे ऊपर नाराज होने से क्या फायदा, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं,
तो उस दिन उसने गल्ला मंडी प्रांगण में किस तरह से किसानों के साथ हो रहा है धोखा, आज इस बात की वानगी देखने को मिली जब एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि सत्यनारायण जो कि अपने ट्रैक्टर को भाड़े पर देकर गेहूं लेकर गल्ला मंडी पहुंचा था, सत्यनारायण ने पहले ही एक धर्म कांटे पर अपनी ट्रॉली को तुलवा लिया था जिसमें उसका वजन कुछ और निकला। वहीं जब उसने मंडी में आकर अपनी ट्रॉली का वजन तुलवाया तो 9 क्विंटल का अंतर आया। सत्यनारायण इस बात पे भड़क गए। वहीं उन्होंने वह जानना चाहा कि अचानक थोड़ी दूर आने में ही 9 क्विंटल वजन कैसे कम हो गया, जिस पर उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो सत्यनारायण को बाकी के 9 क्विंटल का पैसा भी मिल गया है, लेकिन यदि सत्यनारायण अपनी समझदारी नहीं दिखाते और ना ही वो पढ़े लिखे होते तो क्या उन्हें उनका पैसा मिल पाता। आजकल जो किसानों के साथ वहां पर किया जा रहा है वैसे ही इनको भी टरका दिया जाता। समझ से परे है कि किसानों के लिए कहां, एक तरफ तो प्रदेश सरकार हो चाहे राज्य सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रही हैं, लेकिन गल्ला मंडी में उनके शासकीय कर्मचारी, शासकीय अधिकारी, वहीं शासकीय तुलावटी भी उन लोगों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने में तत्पर लगे हुए हैं। साथ ही उनको तौल का पूरा पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी कई बार खबरें आ चुकी हैं। लेकिन आज सत्यनारायण की घटना ने इस बात को साबित कर दिया कि किस तरह से गल्ला मंडी में किसानों को लूटने का खेल चलता है। कब तक चलेगा ऐसा? क्या कोई नहीं है वहां पर जो अंकुश लगा सके इस प्रशासनिक खेल पर, जिससे किसानों को हर समय घाटा ही उठाना पड़ रहा है? कितने दिन में हो रहा है पेमेंट? उनका आपस में जो भी हुआ आज जब मेरा ट्रैक्टर तोला, उनका धर्म कांटा था, धर्म कांटे में वजन था मेरा 83 क्विंटल 70 सही है ना? तिरासी क्विंटल 10 किलो गेहूँ का टोटल। जब वो तोल, जब आज तोल हुई उसकी, तो 74.5 क्विंटल वजन निकला। इस पर मेरा उनसे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद उनने उस गेहूँ की फूट दी। कौन सी विवाद हुआ? उनसे वो जहाँ जो लेबर थी। तो आपकी आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि 83 क्विंटल गेहूं को आप 74 क्विंटल गेहूं बता रहे हैं। किसान मनोरमान की शिकायत की है। मैं तो कर रहा हूँ ना, जवाबदारी तो मेरी है ना सर। ट्रैक्टर मेरे अंडर में था, मैं भाड़े से लाया था। आपके अंडर में तो लाया ट्रैक्टर? हाँ, उनका ट्रैक्टर आपका था, आपको दे दिया। मैं मेरे से तो भाड़े से लेके आया था। डीजियाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।